हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बायो स्मार्ट एकेडमी आज के इस लेक्चर को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटिन्यू करेंगे ओके सो स्टूडेंट्स इन टूडे लेक्चर वी विल बेसिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर एन टी ए स्कोर द एन टी ए स्कोर दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाई सी एस आई आर ओके स्पेशली फॉर द लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स ओके हम लोग एन टी ए स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे पहला चीज दूसरा क्या करेंगे हम लोग आज हम देखेंगे क्या एंट्री स्कोर जो सी एस आई ने प्रोवाइड किया है क्या वो चेंज हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी है चेंज होने का ये हम लोग सेकेंड चीज़ देखेंगे और थर्ड वन जो हम लोग देखेंगे वो है फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा तो आज के इस लेक्चर में हम ये तीन चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे ओके okay. और मैं लेक्चर शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सी एस आई जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए ऑलरेडी हमने बहुत लेक्चर्स प्रोवाइड किया है और हम करते रहेंगे फ्री लेक्चर्स है आप लोग पढ़िए और लेक्चर्स को इन्जॉय कीजिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आप लोग लेक्चर्स देखेंगे तो आपको डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट बेनिफिटेड यू विल गोइंग टू गेट बेनिफिटेड ओके and you just see the playlist where you will find all that lectures okay and we will continue to put the lectures so please watch the lectures so shuru karte hain aaj ke is lecture ko okay see aaj hum kya kya dekhenge information related to nta score एंटी score से related कुछ information के बारे में discuss करेंगे एंटी score कैसे calculate करना है वो discuss करेंगे और साथ ही हम देखेंगे final result कब तक आएगा okay so जैसे कि आप लोगों को पता है कि सी एस आई ने अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर किया और आप लोगों को ये भी पता है लाइफ साइंस कैंडिडेट्स को कि आपका जो स्कोर कार्ड आया है उसमें कुछ इस तरीके से आप लोगों का एंटी स्कोर दिया गया है पहले सेक्शन वाइज एंटी स्कोर दिया है सपोज इस तरीके से आपका रिज़ल्ट दिया है पार्ट ए का एंटी स्कोर दिया है अलग से पार्ट बी का अलग से स्कोर दिया है और पार्ट सी का अलग से एंटी स्कोर और पार्ट सी का अलग से एंटी स्कोर दिया है ओके सो so, इस तरीके से तीनों पार्ट का अलग अलग एंटी स्कोर दिया गया है सी एस आर की तरफ से ओके और साथ ही में एक फाइनल एंटी स्कोर भी सी एस आर ने प्रोवाइड किया है ओके फाइनल एंटी स्कोर भी सी एस आर ने प्रोवाइड किया है और ये जो फाइनल एंटी स्कोर है ये जो फाइनल एन टी स्कोर है ये जो सी एस आई ने प्रोवाइड किया गया है इसी को फाइनल स्कोर माना जा रहा है इसी को फाइनल स्कोर माना जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्कोर कार्ड आपको प्रोवाइड किया गया है यही फाइनल स्कोर कार्ड रहने वाला है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्यों लगता है मुझे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सी जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लाइफ साइंस का एग्ज़ाम हुआ था वो दो शिफ्ट में हुआ था ओके टू शिफ्ट में लाइफ साइंस का एग्जाम बेसिकली हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट क्लियर सो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था उनमें कुछ डिफरेंस था फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो है सेकेंड शिफ्ट के कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ़ था ऐसा माना जा रहा है ओके सो सी एस आर ने क्या किया है एन टी ने क्या किया है दोनों शिफ्ट के जो मार्क्स हैं उनको नॉर्मलाइज़ किया है दोनों शिफ्ट के मार्क्स को क्या किया है नॉर्मलाइज किया है ओके नॉर्मलाइज किया है दोनों शिफ्ट के मार्क्स को नॉर्मलाइज करके उन्होंने क्या किया है आपका जो स्कोर कार्ड है उस स्कोर कार्ड को जीरो से हंड्रेड जीरो से हंड्रेड के बीच में आपके स्कोर कार्ड को प्रोवाइड किया है जीरो से हंड्रेड के बीच में आपके स्कोर कार्ड को प्रोवाइड किया है आपके दोनों शिफ्ट के मार्क्स को नॉर्मलाइज करके ये बेसिकली सी एस आई एन टी इस बार किया है ओके okay. और इस ज़ीरो से हंड्रेड के बीच में आप लोगों को क्या किया गया है एक एंटी स्कोर दिया गया है सपोज़ किसी का एंटी स्कोर है नाइन्टी एट पॉइंट टू ज़ीरो किसी का है नाइन्टी नाइन पॉइंट थ्री टू किसी का है नाइन्टी नाइन पॉइंट टू थ्री इस तरीके से आप लोगों को एंटी स्कोर सी एस ने प्रोवाइड किया है ओके okay. दोनों शिफ्ट के मार्क्स को नॉर्मलाइज करके इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस साल यही आपका स्कोर कार्ड रहने वाला है कुछ उसमें चेंज नहीं आएगा ड्यू टू द एग्जामिनेशन बिकॉज बोथ द एग्जाम बिकॉज द एग्जामिनेशन बेसिकली ऑकर ऑन बोथ शिफ्ट ओके नाउ सो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका स्कोर कार्ड एन ने प्रोवाइड कर दिया है वही आपका फाइनल स्कोर कार्ड रहने वाला है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा आपका जो एन स्कोर है वही आपका फाइनल स्कोर है जो कि ज़ीरो से जो कि ज़ीरो से हंड्रेड के बीच में दिया गया है क्लियर नाउ एक और चीज अब हम लोग देखेंगे कि इस एन स्कोर से आप अपना रैंक कैसे निकाल सकते हैं सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है वो है एन टी ए स्कोर एन टी ए स्कोर इज जस्ट इक्वल टू हंड्रेड इन ये हमारा ऑल इंडिया रैंक निकलेगा एक्स बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ओके जो एग्ज़ाम में अपियर हुए थे ओके okay, जो एग्जाम में अपियर हुए थे सो बेसिकली एन टी स्कोर क्या है सपोज आपका एन टी स्कोर है नाइन्टी नाइन पॉइंट थ्री टू क्लियर 99.32 तो क्या होगा 100 इंटू एक्स और इस साल जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए थे उनका नंबर कितना है 63892 63892 क्लियर अब हम क्या करेंगे एक्स को इस तरफ लेके जाएंगे एक्स को कहाँ लेके जाएंगे इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा एक्स को जब इस तरफ लेके आएंगे तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा एक्स इक्वल टू सिक्सटी सॉरी एक्स इक्वल टू आपका जो एंट्री स्कोर है दैट इज नाइन्टी नाइन पॉइंट थ्री टू मैं दो ही नंबर ले रहा हूँ बहुत सारा और नंबर दिया गया है दैट इज नाइन्टी नाइन पॉइंट थ्री टू इन टू टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट इज सिक्स थ्री एट नाइन टू बाई हंड्रेड ये आपका ऐसे आपको कैलकुलेट करना है जस्ट आप एक्स को यहाँ रखिए सिंपली अगर आपको कैलकुलेट करना है इतना फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप जा जस्ट एक्स को बाहर रखिए और अपना एन टी एस को यहाँ बैठाइए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से इंटू कीजिए डिवाइड कीजिए हंड्रेड से ओके okay. अगर आप इसको टोटल करते हैं तो आपका आंसर कुछ आता है सिक्स थ्री फोर फाइव सेवन पॉइंट फाइव थ्री ओके इतना आया आंसर आप अब आपको क्या करना है एंड में ये जो आपका आंसर आया इससे इस टोटल को माइनस करना है सिक्स थ्री एट नाइन टू को तो आप क्या करेंगे सिक्स थ्री एट नाइन टू को इससे माइनस कर देंगे सिक्स थ्री फोर फाइव सेवन पॉइंट फाइव थ्री माइनस कर दिया तो आपका जो फाइनल एंटी स्कोर आया वो कितना आया फोर ऑल इंडिया रैंक कितना आया फोर थ्री फोर पॉइंट फोर सेवन यह आपका आ गया ऑल इंडिया रैंक फोर थ्री फोर पॉइंट फोर सेवन So, इस तरीके से आप अपना ऑल इंडिया रैंक निकाल सकते हैं कुछ नहीं करना है आपको जस्ट आपको एक्स को यहां लिखना है अपना इक्वल टू करके अपना एन टी स्कोर यहां डालना है उस एन टी स्कोर को इनटू करना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है उससे और फिर डिवाइड करना है हंड्रेड से फिर ये करने के बाद आपका एक आंसर आएगा जो कि है ये आंसर ओके okay. और इस आंसर को आपको फिर से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से माइनस कर देना है आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा दैट इज़ फोर थ्री फोर पॉइंट फोर सेवन तो इस तरीके से आप अपना एन टी स्कोर निकाल सकते हैं क्लियर और आप अपना कैटेगरी वाइज एन टी स्कोर कैसे निकालेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो इस साल का जो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपियर है कैटेगरी वाइज पूरा दिया है तो बेसिकली ये लाइफ साइंस का है ओके okay. तो अगर आप देखेंगे लाइफ साइंस में जनरल ये जनरल है जनरल में टू सिक्स सेवन एट जीरो मीन्स ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन एट्टी कैंडिडेट अपियर हुए थे ओ में ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स सिक्सटी वन ई डब्ल्यू एस में थ्री सिक्स सिक्स नाइन ओके एस में एट थाउजेंड एट हंड्रेड वन एस में थ्री थाउजेंड नाइन एट्टी वन फिर ऑल ओवर जो हमने कैलकुलेट किया अभी सिक्स थ्री एट नाइन टू इस तरीके से अपेयर हुए थे तो मैं आपको एक कैटेगरी का करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे निकालना है मैं आपको जनरल कैटेगरी का बताता हूँ दैट इज़ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन एट्टी कैंडिडेट जो अपेयर हुए थे ओके सी कुछ नहीं करना है सिंपली मैंने जैसे कहा एक्स को यहाँ लिखना है बाहर की तरफ इक्वल टू डालना है आपका एन टी स्कोर लिखना है नाइन नाइन पॉइंट थ्री टू जो भी आपका एन टी स्कोर आपने लिख दिया इंटू करना है जनरल के जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर हुए थे उससे तो बेसिकली जनरल में कितने कैंडिडेट अपेयर हुए थे दैट इज इतने अपेयर हुए थे उसे इंटू करना है और डिवाइड कर देना है हंड्रेड से ओके सो बेसिकली क्या होगा आपका एक आंसर आएगा आपका आंसर आएगा और आपका ये जो भी आंसर आएगा इस आंसर को इस आंसर को क्या करना है इस आंसर को जो भी आपका आंसर आएगा इस आंसर को क्या करना है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी टू से क्या करना है माइनस कर देना है माइनस कर देना है माइनस करने के बाद क्या होगा आपका जो फाइनल ऑल इंडिया रैंक आएगा वो आपका यहाँ पे शो कर देगा ओके okay, सो so इस तरीके से आपको कैटेगरी वाइज निकालना है अगर आप ओ कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे ओ के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर किए थे यहाँ पे इसको डालना है और आपका एनटी स्कोर से इंटू करके हंड्रेड से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उस आंसर को टोटल नंबर ऑफ जो ओबीसी कैंडिडेट है इससे माइनस कर देना है सिमिलरली आप एस सी एस टी के लिए भी निकाल सकते हैं तो इस तरह से आप एन टी ए स्कोर से अपना ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी वाइज और टोटल रैंक आप निकाल सकते हैं क्लियर तो ये रहा दूसरा चीज जिसके बारे में मैं डिस्कस किया ओके okay, नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में डिस्कस करना है वो है आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा सो so बेसिकली ऐसा माना जा रहा है कि जो फाइनल रिजल्ट है जो फाइनल रिजल्ट है ऐसा ऐसा सुन ऐसा माना जा रहा है और सुनने में आ रहा है जो फाइनल रिजल्ट है वो बिफोर टेंथ जनवरी आपका डिक्लेयर हो जाएगा ओके बिफोर टेंथ जनवरी आपका डिक्लेयर हो जाएगा सो so, आप लोग पेशेंस रखिए आप लोग गेट का प्रिपरेशन कीजिए वो स्टूडेंट्स जिनका एन स्कोर कम है जिनको लग रहा है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप हिम्मत मत हारिए आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए क्योंकि गेट फेबररी में होने वाला है ओके और जनवरी का आज लगभग चार चार तारीख हो गया है सो टाइम बहुत ही कम है और गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं आप किसी भी आईआईटी या फिर आई किसी भी या फिर बार्क इन सब में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आपका गेट स्कोर अच्छा रहा तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप रिजल्ट का चिंता मत कीजिए रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ओके आप गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और साथ ही आप सी एस जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए प्रिपेयर हो रही हो और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए हम यहाँ पे फ्री लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं सी एस आई जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए और जो लेक्चर्स अपलोडेड है वो आपको गेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा सो so, आप फॉलो कर सकते हैं और मैं आपको इस लेक्चर का कंक्लूड ये करता हूँ कि जो एन टी स्कोर प्रोवाइड किया गया है मुझे ये लगता है मैं फिर से रिपीट करता हूँ वही आपका फाइनल स्कोर है जो आपको ज़ीरो से हंड्रेड के बीच दिया गया है आपका स्कोर चेंज मेरे हिसाब से चेंज होना नहीं चाहिए या फिर चेंज नहीं होगा यही आपका स्कोर रहने वाला है जीरो से हंड्रेड के बीच जो दिया गया है ओके जो दिया गया है सो so, स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू